बक्सर में गंगा उफान पर, प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। देश के कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश के बाद गंगा नदी तेजी से उफान पर है। इससे बक्सर के कई प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसकी जानकारी देते हुए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जेई प्रशांत बताते हैं कि अब गंगा की रफ्तार तेज होती जा रही है। पहले दिनभर में 0.5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज होती थी, लेकिन अब गंगा 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। बहरहाल गंगा डेंजर लेवल से अभी 5 मीटर नीचे है, लेकिन गंगा के इस रफ्तार ने बक्सर जिले में बाढ़ के संकट को न्योता दे दिया है। अगर रफ्तार यही रही तो कल तक पानी निचले इलाकों में घुसने लगेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पर घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अभी 50 जो वाटर लेवल है 54.14 है, 5 बजे 15:15 3 बजे का। अभी कितने दिनों से लगातार बढ़ रही है? ये लगभग 15 दिन से बढ़ रही है, 15 से 20 दिन में लगातार कंटिन्यूस जो है जो 3 सेंटीमीटर पर आवर। कितना प्रति घंटे स्पीड है इसका? अभी तो प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर पर आवर है। अगर खतरे के निशान की बात किया जाए तो कितने दिनों में, अगर यही रफ्तार रहा तो कितने दिनों में खतरे के निशान तक पहुंच जाएंगे? खतरे के निशान से अभी तो वाटर बहुत 6 मीटर नीचे है वन डेंजर लेवल से। तो देखा जाए तो लमसम अभी वाटर अपस्ट्रीम में बारिश होगा तो उसके हिसाब से डेंजर देखा जाए। क्या नाम है आपका? प्रशांत चौरसिया। और पोस्ट? कन्हैया बेंता। जल शक्ति मंत्रालय।